हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक पैट लवर हूँ, मैं अपने पैट्स भी आप लोगों को विजिट करा चुकी हूँ और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है उनको लेकर तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने भी देखा भी था, मेरी डोना भी मेरे को छोड़कर चली गई है, तो डोना की भी मिसिंग होती रहती है मुझे। और बाकी बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को डायमंड डव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो सबसे पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे सभी बर्ड्स विजिट किए हुए हैं। बर्ड्स में मेरे पास बजीज हैं और पिजन्स हैं, और बर्ड्स भी मैं आप लोगों को विजिट करा चुकी हूँ। मेरे पास जेब्रा फिंच हैं और वाइट फिंचेस भी हैं, स्ट्रॉबेरी फिंच हैं, और लॉन्ग टेल का पेयर भी मैंने आप लोगों को विजिट कराया था। गोल्डन फिंचेस भी हैं मेरे पास, और गोल्डन फिंच एक्चुअली क्या है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, डोना चली गई है तो वो पेयर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो उसके लिए भी वो मेरे को भी एक बर्ड उसके लिए लानी होगी ताकि वो पेयर कंप्लीट हो सके। और अभी आगे मैं आप लोगों के साथ एक और एक गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी मैं अपने सेटअप पर डायमंड डव का पेयर लाने वाली हूँ, और डायमंड बर्ड, डायमंड डव जो होती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बर्ड्स होती हैं, और जैसे ही वो आएंगी मैं आप लोगों के साथ सभी उनकी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डायमंड डव जो बर्ड्स होती हैं ये अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड होती है, और इसमें दो कलर होते हैं, एक ये क्रीम शेड में और एक ग्रे कलर में। और ये जो इनके जो पंख वगैरह होते हैं वो उस पर वाइट वाइट धब्बे होते हैं छोटे छोटे, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। बाकी गाइस, इनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है हमें, और केयर में ऐसा है कि सर्दी गर्मी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ना ही तो हम इन्हें ज़्यादा सर्दी में रख सकते हैं और ना ही ज़्यादा गर्मी में हम इनको रख सकते हैं। और ये वाली जो बर्ड्स होती हैं इनका तो ये नेस्टिंग का होता है, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी हुआ है, इनका तो सिंपल होता है, बाकी उनकी जो नेस्टिंग होती है और जो मटेरियल वगैरह होता है वो सभी बहुत ज़्यादा दिन के जो होते हैं हम लोग वो भी रख सकते हैं उनके लिए मटेरियल में। और जो उनका नेस्टिंग का भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वो एक वाइट नहीं, नेस्टिंग का भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोग देखते हैं चाय की जो छल्ली होती है बड़ी वाली, उसमें वो ब्रीडिंग करती हैं अपनी, तो ब्रीडिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है उनकी नीचे से, क्योंकि वो ऐसा होता है उसमें जाली होती हैं तो हवा से उनके जो एग्स वगैरह हैं वो ख़राब ना हो जाएँ। और इसका जो ये दो अंडे देती हैं, और ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है इनकी, और जो मेल होता है वो रात में मतलब जो अंडे होते हैं उनके ऊपर बैठता है, और जो फीमेल होती है वो दिन में बैठती है, ऐसा कुछ है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी बात चल रही है फ़िलहाल में, जैसे ही वो बर्ड्स मेरे पास आती हैं, डायमंड डव का पेयर मेरे पास आ जाता है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, आप लोगों को विजिट भी कराऊंगी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन डायमंड डव को लेकर, और बाकी जैसे ही वो आ जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, फैमिलीज का ध्यान रख लेगा। गुड बाय एंड टेक केयर।